नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों एक फेलियर से। मैंने पिछले 2-3 महीने मतलब परेशान हुआ था। आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि ये वाला वेइंग मशीन हमने कनेक्ट करके दिखा देंगे आपको डायरेक्ट, यानी आपको कोई एक्सपेंसिव वेइंग मशीन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सस्ता वाला वेइंग मशीन से अपना रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर चला के मैं दिखाएंगे करके मैं आपको बोला था। तो वो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, इसलिए करके हमने वेइंग मशीन ले रहा हूँ दोस्तों। ये जो वेइंग मशीन का प्राइस लगभग, सबसे पहले वही बोल देते हैं, लगभग 4,500-4,500 के अंदर ही आपको मिल जाती है, विथ शिपिंग विथ GST सब मिला जुला के एवरीथिंग। वो जो वेइंग मशीन, जो बारकोड आने वाला जो वेइंग मशीन जो है, यानी हैवी दैट, उसके लगभग 15,000 से लेकर 17,000 तक आपको एक्सपेंसिव जाते थे। और इसमें उसके कंपेरेटिवली आसानी होती है, क्योंकि इसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन जब दिखाएंगे ना आपको, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा दोस्तों किस तरीके से आप एकदम ब्यूटीफुल, यानी एकदम आसान तरीके से आप अपना ग्रोसरी या वेजिटेबल सुपरमार्केट चलाएंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये तो फॉर एग्जाम्पल इतने आइटम्स है मेरे पास। कस्टमर कोई कोई सामान लेके आती है, कोई बारकोड कुछ नहीं, कस्टमर जितनी चाहिए उतना लेके आने दीजिए, कितने चाहिए। आप देखिए, ये जो रेंडर पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इधर एक प्रिंटर रखा हुआ मेरे पास, इतने आइटम्स और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये जो लगा बनाया हुआ, देखिए, भिंडी के लिए और कैरेट के लिए नंबर दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दे सकता है आपको, नंबर का थ्रू भी कर सकता है और प्रोडक्ट सर्च भी कर सकता है। नंबर थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि हर कोई वेजिटेबल वाला होगा, भिंडी का एक नंबर दे दो और कैरेट का एक नंबर दो, जितना भी वेजिटेबल अलग अलग नंबर दे दीजिए, वो सॉफ्टवेयर में डालने से आसान, यानी डबल इश्यू हो जाएंगे। और ये मैंने एक बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते, उसके आगे भी कुछ बताएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखिए, उधर ये जो कोई कस्टमर आके बोला हाँ हमको इतना ही चाहिए, ये आप अपना इसके ऊपर रखिए, ठीक है। और इसका नंबर देखिए, टोमाटो है ना, 40-0-0-4-1-4-1 एंटर मारिए इसको, ऐड टू कार्ट, एंटर मारिए सीधा सीधा नीचे आए हुए। और दूसरे कस्टमर आके बोला है हमको कैरेट इतना ही चाहिए, इतना इसको निकाल दीजिए, वो उसके बैग में तुरंत डाल दीजिए, वो कस्टमर है ना उसके बैग में सीधा सीधा डाल दीजिए, कैरेट चाहिए। तो कैरेट का नंबर क्या है दोस्तों, कैरेट 0039 एंटर मारिए दोस्तों। और जो बनाना है, ठीक है, इसको ये पूरा ले लीजिए, निकालो लगा दो। बनाना का नंबर क्या है दोस्तों, 0040 एंटर मारिए, बस डायरेक्ट आप उधर दिख रहा है ना, डायरेक्ट आ जाती है। और समझ लीजिए आपको उसको भिंडी भी चाहिए, तो भिंडी देखो थोड़ा सा ले लिए और इसको निकाल के, इतना ही चाहिए भिंडी उसको, समझ लीजिए ज़्यादा पूरा नहीं चाहिए था, इतना ही चाहिए था कस्टमर को। भिंडी का नंबर क्या, 0038 एंटर मारिए दोस्तों। अब इधर थोड़ा सा सामने दिखाइए प्लीज, टोटल अमाउंट 115 रुपीज का आ गया, और उन्होंने कितना दिया समझ लीजिए आपको, 200 रुपीज दिया, सेवन प्रिंट कर दीजिए, यानी 200 के करंसी होता है ना, यहाँ प्रिंट आ जाएंगे आपको, दिखाते हैं आपको। अब थोड़ा सा इसमें देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंट आया हुआ है देखिए, ये टोमाटो लिखा है, टोमाटो का प्राइस 60 रुपीज़ है लेकिन 18 रुपीज़ 50 पैसे ही आया हुआ है। कैरेट का प्राइस है 100 रुपीज़ लेकिन उसका जो इतना ही है ना जी, 0.21 kg है, यानी समझ रहे हैं, तो 21 रुपीज़ ही आया, समझ रहे हैं आपको। तो ये जो है प्राइस देखिए आपने, इसका कितना प्राइस आया, टोटल इतना ही आया हुआ है, ठीक। ऑटोमेटिकली यानी वो वजन है ना जी, अपना मशीन ले लेता है। तो ये एक तरीके है दोस्तों, मैंने क्यों फेल हुआ था इसमें इतने महीना, इसका पीछे का रीज़न है, इसका जो आईसी है, ये जो आईसी इसके अंदर बैठा हुआ है, ये जो वेइंग मशीन के अंदर जो आईसी बैठा है, ये आईसी के अंदर एक प्रोग्राम डालना पड़ता था। वो प्रोग्राम डालने के लिए इसको इतना अलग से देखिए, इसके लिए मेरे को प्रॉपर प्रोग्रामर को नहीं मिल रहे थे जो आईसी डालने के लिए, इसके वजह से मैंने इतना डिले, क्योंकि देखिए हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ये VB.NET प्रोजेक्ट है हमारा, जो रेडेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर VB.NET, उसको कॉम्पैटिबिलिटी तरीका से ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्टिविटी होना है,
तो इसको देखो आपने सीधा सीधा एक ये नीचे जो मैंने इसका सीपीयू लगाया हुआ है केबल आपको मैंने दिखा देती है इसको केबल देखिए इधर इधर से केबल देखिए ये जो केबल लगाया हुआ है ये पीछे इसका थोड़ा सा इसको दिखाइए प्लीज ये इसका जो केबल है दोस्तों ये जो केबल दोनों एक पावर सप्लाई केबल है और एक ये केबल अपना क्या नाम बोलते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए केबल है वो केबल मैंने एक बार निकाल के दिखाई दिया आपको यूएसबी आपको 9 पिन का ऑप्शन है और देखिए ये जो यूएसबी देखिए ये कंप्यूटर में सीधा कनेक्ट करना है आपको ऐसा भी 9 पिन भी कनेक्ट कर सकता है इसको जो अडाप्टर लगा करके ऐसा भी कनेक्ट कर सकता है यानी डायरेक्ट आपका कंप्यूटर रीड करेंगे दोस्तों जो भी वजन इसके ऊपर रखे तो आप बताइए दोस्तों दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू द बिलिंग राइट हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.